दिल्ली जो है हम ये देखते हैं, और ये बहुत शर्मनाक बात है कि जब सर्दी का मौसम आता है, शीत ऋतु का आगमन होता है, तो AQI बहुत खराब हो जाता है क्योंकि वायु का आवागमन जो है वो बिल्कुल क्षीण हो जाता है। लेकिन अब जब हम मान रहे हैं कि वायु प्रदूषण कम है क्योंकि हवा जो है वो ठीक ठाक चल रही है, उसके बावजूद पूरे विश्व के जितने राजधानियां हैं उसमें सबसे प्रदूषित दिल्ली है। तो ये आप हम सबको सोचना पड़ेगा कि इसमें एक तो जो सबसे बड़ा कारण है वो जनसंख्या का घनत्व है। आबादी हमारी इतनी अधिक है दिल्ली NCR की कि इसके कंपैरिजन में दूसरी किसी राजधानी की। उसके साथ साथ यहाँ पर जो अनियंत्रित निर्माणाधीन कार्य होते हैं उससे धूल का उत्सर्जन होता है, वाहनों द्वारा उत्सर्जन होता है, किसान मानते नहीं हैं, पराली जलाते हैं। हमने इस साल भी देखा कि सरकार ने बहुत कोशिश की लेकिन किसानों ने उनकी एक नहीं चलने दी। उत्तर प्रदेश में कुछ कमी हुई, हरियाणा में भी कुछ कमी हुई, लेकिन उसके अलावा पंजाब में कोई कमी हमें देखने को नहीं मिली। तो ये उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सबसे मूल कारण जनसंख्या का घनत्व है। जनसंख्या का जो तनाव है वो पूरी वायुमंडल पर पड़ता है। सर, ये 2018 से लगातार चौथी बार ये दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानियों में बनी हुई है पहले नंबर पर। जी, और उससे पहले भी आप देखें तो सिर्फ 2 साल का हमें एक तरह से रिलीफ मिला था, नहीं तो उससे पहले भी लगातार वो सबसे प्रदूषित राजधानियों में बनी हुई थी। उससे पहले बीजिंग जो था वो काफ़ी प्रदूषित था, लेकिन चाइना ने एक वॉर फुटिंग पे कार्य करा और जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एयर प्योरीफायर्स लगाए उसकी वजह से, और साथ ही साथ उत्सर्जन में भी भारी गिरावट करी। तो बीजिंग अब हट गया है और हम जो हैं दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित बन गया है। हमें भी बीजिंग से सीखना चाहिए और उसी प्रकार इंडस्ट्रियल प्योरीफायर्स के साथ साथ हमें आबादी पर काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरा उत्तर भारत इस समय प्रभावित रहता है बहुत खराब AQI से। PM10 PM2.0 की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक लोग, लगभग 10 लाख लोग प्रतिवर्ष प्रदूषक सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण काल के गाल में समा रहे हैं। तो इन चीज़ों का हमें आवश्यकता है कि वॉर फुटिंग पर कार्य करे जाए। सर, सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में बेगूसराय जो है वो नंबर वन पर है। जी, इसके लिए क्या कहेंगे? जी, बेगूसराय इस साल नंबर वन पे है और बिहार काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण से, क्योंकि बिहार एक विकास का अवधारणा जिसका पूरा देश पालन कर रहा है वो प्रकृति के मूल्यों को केंद्र में रखकर नहीं चल रहा, बल्कि सिर्फ जो है लालच, लोलुपता और किस प्रकार प्रकृति का दोहन करा जाए उन्हीं मूल्यों पे चल रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ना केवल बेगूसराय बल्कि अगर आप विश्व के 100 बड़ी शहर निकालते हैं उसमें 40 शहर भारत के आ रहे हैं। भारत की लगभग 20 ऐसे शहर हैं जहाँ पर अनलिवेबल कंडीशंस हैं वायु प्रदूषण की वजह से, और भारत जो है वो इस समय तीसरे स्थान पे है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद, जो बहुत ही चिंता का कारण है। और अगर हम इसी मॉडल पे चलते रहे तो हम देखेंगे कि अगले 5 साल बाद लगभग 15 से 20 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे वायु प्रदूषक के की वजह से।